आप लोगों से ये पूछो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आएगा कि अगर हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है तो ये हमारे लिए एक अप ट्रेंड हो जाता है, और अगर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आ रहा है तो ये हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड हो जाता है। जो नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करते हैं वो लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हमारा मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है तो अप ट्रेंड हो गया, और अगर हमारा मार्केट नीचे की साइड मोमेंटम कर रहा है तो डाउन ट्रेंड हो गया। पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सच्चाई बताऊँ, ये सिर्फ किताबी भाषा के लिए ठीक है, रियल में और रियल ट्रेडिंग में ये बहुत ही अलग देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ किताबी भाषा और थोड़ा सा लोगों को पागल बनाने के लिए बहुत है, पर रियल मायने में अलग प्रकार से काम करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो आपके ये ट्रेंड होते हैं या फिर आपका जो प्राइस एक्शन होता है वो आपको कई जगह वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देता है, आप उसके अंदर ट्रैप होते हो। और इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख रहे हैं। इसके पहले के 3 लेक्चर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर को जाके नहीं देखा है तो उन लेक्चर को जाके देखो, चेक करो, और उसके बाद फिर इसको देख लो। क्योंकि अगर आप उनको देखोगे, एक सीरीज बाय सीरीज देखोगे तो आपको मजा आएगा, वरना अगर आप इसको बीच में से देखोगे तो एक ऐसा हो जाएगा कि हम किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज को उठा कर देख लें और हमने उसको शुरू से नहीं देखा है, हमने उसके बीच के किसी सीजन का बीच का एपिसोड उठा लिया है, फिर हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा करेक्टर कहाँ और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये ऐसी सेम हमारी ये सीरीज है। तो सबसे पहले पार्ट को देखो, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ है। तो इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर ट्रेंड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, यहाँ पे होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि यहाँ पे आपको वर्ड को बहुत हैवी देके डिफाइन किया गया है, जबकि इनका काम बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे आपको वर्ड ऐसे दिए गए हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे को कन्फ्यूज किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के चौथे लेक्चर के अंदर कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग किस प्रकार से होती है, यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं और कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक। सबसे पहले हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग दो प्रकार से देखने के लिए मिलती है, पहली होती है बोस, है ना, और फिर हमारी दूसरी होती है सी चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच, यानी कि हमको यहाँ पे दो प्रकार से देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बोस के बारे में पढ़ते हैं कि बोस होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ये हमको एक ऐसे दिखाई देता है कि यानी कि ये ऐसे एक अप ट्रेंड में हमको मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमारी मार्केट ने यहाँ से हाई को ब्रेक करा, तो मानो कि हमारी मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक बोस क्रिएट हुआ है, यानी कि हमारी मार्केट में जो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म हो रहा था हमारी मार्केट ने यहाँ पे उसको ब्रेक किया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था ये ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ये ब्रेक किया, तो मानो कि यहाँ पे भी हमारा एक और बोस क्रिएट हुआ है, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी हमारा एक बोस क्रिएट हो रहा है। यानी कि जब जब हमारी मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, नया हाई लगाने के लिए जाती है, तो प्राइस एक्शन में कहते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट लोअर हाई हायर हाई फॉर्म बनाता हुआ जा रहा है, पर यहाँ पे कहते हैं कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ आपने दो ही चीज अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि अगर हमारी मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड आया है तो एक वैलिड पुल बैक आना चाहिए, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं मानूंगा कि हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब वैलिड पुल बैक से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा ट्रेंड यहाँ तक आया है, जब यहाँ से मार्केट एक पुल बैक मारती है, एक यहाँ से जब वो रिजेक्शन लेती है, तो कम से कम वो 50-60% नीचे तक आना चाहिए, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेक करना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि भैया मेरा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अगर कई बार ऐसे होता है कि मार्केट ऐसे गई है, सिर्फ यहीं तक ही नीचे आई है, फिर यहीं से ऊपर निकल गई है, तो फिर मैं इसको बोस नहीं मानूंगा। तो आपके दिमाग में बात बैठी, हमने यहाँ पे इस बात का बहुत खास ख्याल रखा। एग्जांपल देखा, यहाँ से हमारा मार्केट नीचे आया, देन यहाँ तक आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर निकल गया हमारा मार्केट, फिर ऐसे करके हमारा मार्केट फिर नीचे आया और फिर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे निकल गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ फॉर्म करी है, यानी कि मान के चलो कि हमारी मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू करा, हमारा मार्केट यहाँ तक नीचे तक आया, देन जब इसने यहाँ से पुल बैक मारा है, ये हमारे पिछले ट्रेंड का 50-60% नहीं है, वो उससे पहले यहाँ पे गिर के नीचे की साइड आ रहा है। जब हमारा मार्केट यहाँ से गिर के नीचे की साइड आ रहा है, भले ही मार्केट ने यहाँ से आपको एक ब्रेकडाउन दिखाया है, यहाँ पे भले ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करी है, भले ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है, और इंड्यूसमेंट क्या होता है इससे पहले वीडियो में मैंने वही डिस्कस किया था, क्रिएट किया है, उसके बाद यहाँ पे चार्ट लोगों को बिठाता है, फिर एकदम से वो यहाँ से ऊपर होकर निकल जाता है, एकदम से फिर वो यहाँ पे ऊपर होकर निकल जाता है, और यहाँ पे फिर वो बैठा के लोगों को इस वाले ब्रेकडाउन में ट्रैप कर देता है। ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारी मार्केट ने पिछले वाले ट्रेंड को यहाँ से अभी तक 50% रिट्रेस कराई नहीं है, उसके बाद हमारा हाई ये हो गया है जी और लो हमारा ये हो गया है, क्योंकि अभी तक रिट्रेस हुआ ही नहीं है, फिर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे करके ये फॉर्मेशन बनाता है, उसके बाद फिर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, तो इस बार यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देता है, इस बार यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है तो हमारी मार्केट में यहाँ से हमको गिरावट देखने के लिए मिलती है। चिंता मत करना, मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा सॉरी
मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट पर, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। अब जो नॉर्मल प्राइस एक्शन वाला बंदा होता है वो क्या देखता है, हाई बना दिया, लो लगा दिया, हाई लो हाई लो हाई लो, वो इसी जाल में फंसा रहता है और वो कुछ भी नहीं बना पाता है मार्केट। जबकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप देख रहे हो कि वो लोग कितना एडवांस चलते हैं एक नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर के मुकाबले, ठीक है। अभी मैं आपको इसके चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल आप इसका यहाँ देखो कि हमारी मार्केट ने एक हमको गिरावट दिखाई, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, इसके इस मार्केट ने 50% को रिट्रेस किया, फिर ये वाला लो ब्रेक करा, देन मार्केट में ये मोमेंटम है। उसके बाद आप यहाँ देखो, उसके बाद आप इसमें एक आधे आपको एग्जांपल और दिखा दूँ, काफी बेस्ट एग्जांपल इसके मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि हमारी मार्केट में रिसेंट में मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब आप एक एग्जांपल यहाँ देखो कि हमारी मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया और यहाँ पे हमारी मार्केट ने एक लो लगाया, लग गया। इसके बाद हमारा मार्केट इसके 50% को रिट्रेस नहीं कर पाया, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, नहीं पहुँच पाया, तो क्या हुआ, मार्केट यहीं पर टाइम स्पेंड करता रह गया, फिर हमारा मार्केट यहीं पर साइडवाइज होकर फंस गया। और अगर इसका मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दिखाऊँ, अब आप यहाँ देखो, यहाँ हमारी मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चालू थी, आप खुद देखना ये बात को कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक गिरावट आती है, मार्केट 50% को यहाँ से रिट्रेस करता है, देन येलो ब्रेक करता है, फिर से गिरता है, फिर से गिरावट आती है, रिट्रेस करता है, देन फिर गिरता है, बट यहाँ पे मार्केट हमारा रिट्रेस करके नीचे जा ही नहीं पाया, फिर हमारा मार्केट यही साइड हो जाएगा। और अगर मैं आपको इसके एक दो चार एग्जांपल और दिखा दूँ और तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ देखो कि हमारी मार्केट में अप ट्रेंड चालू था, मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, मार्केट ने इसको रिट्रेस किया, देन ऊपर गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ मार्केट ने इसको रिट्रेस किया, देन फिर ऊपर गया, फिर मार्केट में एक और अप ट्रेंड आया, पर ये इसको 50% को रिट्रेस नहीं कर पाया, फिर हमारा मार्केट यहीं पे घूमता हुआ रह गया। अगर आपको मैं इसका एक आधी एग्जांपल और दिखाऊं तो गाइस आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट में वर्क कैसे करता है। आप इसको यहाँ देखो कि एक गिरावट आई, 50% रिट्रेस किया, देन फिर गिरा, गिरावट आई, रिट्रेस किया, फिर गया, गिरावट आई, रिट्रेस किया, फिर गिरा, बट यहाँ पे जब मार्केट में ये वाला ट्रेंड इसका यहाँ से नेगेटिव हुआ था, पर ये इसको रिट्रेस नहीं कर पाया, फिर यहाँ से ऊपर ही निकल गया। आपको अगर एक आधे एग्जांपल और देखो तो गाइस बड़े सारे इसके एग्जांपल आपको चार्ट पर देखने के लिए मिलेंगे, और आपने इनकी हमेशा प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपको कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं, कि आपको कैसे मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे, कहां से हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे ये वाले फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करा, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन ऊपर गया, फिर ब्रेक करा, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन ब्रेक हुआ, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। पर अभी हमने यहाँ पे बात करनी है चोच के बारे में, चोच का मतलब यहाँ पे होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी तक आप लोग यहाँ एक बात देखना कि मार्केट हमारा जब जब ऊपर जा रहा है, यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो हमारा यहाँ से BOS ब्रेक हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम यहाँ ये ब्रेक हो रहा है, सेम यही ये ब्रेक हो रहा है। पर हमारा चार्ट ऊपर जाके हल्का सा नीचे की साइड जब हमारा चार्ट यहाँ से गिरता है और वो नीचे आके जब वो यहाँ से इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, जब ये वाला लो यहाँ से ब्रेक होता है या फिर हमारी मार्केट में ये वाला लो यहाँ से ब्रेक होता है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि अब तक तो हमारी मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था, पर अब हमारी मार्केट में पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। प्राइस एक्शन वाले पार्ट में तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ने अब ट्रेंड को डाउन में चेंज कर दिया, ठीक है। स्मार्ट मनी वाले लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो इसके स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे थे उनको मार्केट ने ब्रेक करते हुए नीचे की साइड आके मार्केट ने इस बार कैरेक्टर को ब्रेक कर दिया। अभी तक कैरेक्टर हमारा इसको ऊपर की साइड लेके जा रहा था, पर अब ये हमारा कैरेक्टर इसको नीचे लेके आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से मार्केट में चौच को भी देखा जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर, वहां को दिखाता हूँ कि हमको किस प्रकार से। मैं आपको पढ़ा रहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अभी आप लोग यहाँ पे आपके पास एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें हमारी जो मार्केट है वो यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन पे लेके काम कर रही है। आप लोग देखो कि हमारी मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। तो जब जब हमारी मार्केट में जैसे जैसे यहाँ से ऊपर गया, ये हाई लगाया, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन ऊपर का मोमेंटम आया, फिर हमारी मार्केट में यहाँ से एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर मार्केट में ऊपर का मोमेंटम आया। और आपको मैं क्या कह रहा था कि हम स्ट्रक्चर उसको तब मानेंगे कि जब यहाँ से ये ऐसे करके उसके कम से कम 50% को रिट्रेस कर रहा हो, फिर ऊपर जा रहा हो। जैसे कि आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से जब इसके ये 50% को यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, फिर जा रहा है, ये चीज़ है। उसके बाद आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे आके हमारी मार्केट में एक कैरेक्टर चेंज हुआ है, क्योंकि हमारी मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस ना करके, इसको ऊपर की साइड ब्रेक ना करके, हमारी मार्केट ने यहाँ पे ऐसे करके नीचे की साइड हमारी मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया। और जैसे यहाँ से ये स्विंग ब्रेक हुआ, जैसे मार्केट का यहाँ पे कैरेक्टर, अभी तक तो मार्केट में सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे थे, हमारा मार्केट ट्रेंड को ऊपर की साइड कंटिन्यू कर रहा था, पर जैसे ही हमारी मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, हमारी मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आया और हमारी मार्केट हमको यहाँ से गिरावट देखने के लिए मिली, और काफ़ी अच्छी गिरावट हमको देखने के लिए मिली हुई है। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है,
है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप लोगों के इस चीज को लेकर अभी भी कुछ डाउट आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वैसे तो वो अब आपके सारे सारे डाउट इस सीरीज में कवर हो जाने हैं, बाकी फिर भी आपके दिमाग में बात घूम रही है तो कमेंट कर दो, तो जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो आपके उसके मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।